आप देख रहे हैं खबर उजागर। अब हर खबर होगी उजागर। रूपणा धाम उद्योग सराईपाली के विस्तार की जनसुनवाई 2 नवंबर बंजारी मंदिर तराई माल में आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में लगातार समर्थन और विरोध करने वालों की भीड़ लगी रही। दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। जनसुनवाई में फैक्ट्री का सपोर्ट करने कुछ ऐसी महिलाएं पहुंची हुई थी जिन्होंने स्टेज के सामने लगे हुए माइक में सबके सामने अपने आप को बिहार राज्य का निवासी बताते हुए फैक्ट्री का समर्थन किया। और जब उन महिलाओं से इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि हमें इस जनसुनवाई के बारे में कुछ विशेष पता नहीं है। हमें गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा फैक्ट्री का समर्थन करने के एवज में नाश्ता और पैसे देने की बात कही गई थी। और जब उनसे उनके निवास स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम बिहार राज्य के रहने वाले हैं लेकिन हम इस क्षेत्र में कई सालों से रह रहे हैं। पर्यावरण एक्टिविस्ट और समाज सेवियों ने भी इस जनसुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि यह जनसुनवाई नियम विरुद्ध कराई जा रही है, जबकि उद्योग के विस्तार की जनसुनवाई आयोजित की गई है जिसकी जानकारी प्रभावित क्षेत्र की जनता को नहीं दी गई है और न ही किसी समाचार पत्र में इसकी जानकारी दी गई है, जबकि पर्यावरण विभाग की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी जनसुनवाई के प्रचार प्रसार कर प्रभावित क्षेत्र की जनता को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षक मंडल रायगढ़ द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से आम प्रभावित जनता को किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उद्योग के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी गांव और पंचायत आते हैं उनको पूरी सूचना दी जानी चाहिए। सर एक्चुअली उन लोग बिहार के नहीं है, उन लोग जैसे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे जैसे सराईपाली में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं तो वहाँ पे अदर स्टेट के लोगों भी काम करते हैं, उड़ीसा के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के हो गए। तो उन लोग का कहना है, मतलब ये हम लोग नाम भी एंट्री कर रहे हैं ना, तो उन लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जैसे बिहार के, तो प्रॉपर कोई नहीं कह रहा कि हम लोग ये प्लांट में जॉब करते हैं ऐसे, तो वहाँ के लोग भी आए हुए हैं। जी आधार कार्ड एक्चुअली सर कोई लेके आता नहीं है तो हम लोग वो चेक नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ आसपास के लोग भी रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए सराईपाली गाँव है, हाँ वैसे ही आ रहे हैं, तो सर वहाँ उसको गांव वाले लोग लेके आ रहे हैं ना, आसपास के लोग वहाँ वाले जैसे गांव के सरपंच वगैरह होगा तो उन लोग भी लेके आ रहे हैं, तो उन लोग ये कह रहे हैं अपने, मतलब उन लोग अपने स्टेट का नाम बता दे रहे हैं। अंकित बारिक, फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट, रूपाना धाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड। स्टील एंड पावर लिमिटेड की जनसुनवाई है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो दो कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन दिख रहा है। एक तो 14 सितंबर 2006 की जो अधिसूचना है उस अधिसूचना में लिखा है कि आवेदन के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश 45 दिवस के अंदर अगर जनसुनवाई नहीं हो पाती उन परिस्थितियों में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और वो समिति जो है वो जनसुनवाई का आयोजन करवाएगी। परंतु ये जो जनसुनवाई है लगभग ये 1.5 साल पुरानी हो गई है, लगभग 600 दिन के आसपास हो रहे हैं। तो पहली अवैधानिकता तो ये है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंदर जो 8 अगस्त 2022 को पेशा एक्ट कानून जो लागू हुआ है उसमें धारा 244(1) के तहत बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। और अगर इसके बाद भी देखें कि रायगढ़ जिले में जो उद्योग पहले से स्थापित हैं वो जितना प्रदूषण होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषण है और क्षमता से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिसके वजह से यहाँ टीबी है, दमा है, इसनोफिलिया है, सिल्कोसिस है, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं। दुर्घटनाओं में लगभग 73 मौत हर महीने रायगढ़ जिले के अंदर हो रही है और ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक है और लगभग देश में भी देखें तो कम ही ऐसे स्टेट होंगे जहाँ इतनी ज़्यादा दुर्घटनाओं में मौत होती हैं। सड़क का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इतना ज्यादा प्रदूषण है कि इन उद्योगों से आज की डेट में लगभग 2,30,000 मैट्रिक टन फाई एस निकल रहा है और अधिकतम उद्योगों के पास उसके रख रखाव का कोई स्ट्राइक नहीं है। वो किसानों के खेतों में, तालाबों में, नदी के किनारे और अगर कहें तो सड़क के किनारे वो फ्लाई एस फेंका जाता है। बरसात के दिनों में वो फ्लाई एस बह के नालों के माध्यम से वो केलो नदी में जाता है, जो 4.5 लाख है रायगढ़ की जनता है उस पानी का उपयोग करती है। अगर उसी तरीके से सड़कों में देखें कि जिस तरीके से फ्लाई एस है, अब फ्लाई एस के अंदर लगभग 32 प्रकार के ऐसे हैवी मटेरियल होते हैं जो जीवन के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं, इसलिए उनका प्रावधान ये है कि एस डाइक बनाया जाए,
जब एस डाइक भर जाए तो उसके ऊपर एक मीटर मिट्टी का लेयर डाला जाए जिससे वो ना तो उड़े और ना तो वो बहे। परंतु रायगढ़ जिले में देखा गया कि जो जिन बिंदुओं के आधार पर पर्यावरण क्लीयरेंस उद्योगों को मिलता है, आज तक किसी उद्योगों को मैं वो विधि के मुताबिक उन पर्यावरण जो क्लीयरेंस में जो कंडीशन में मिला है उसमें किसी भी प्रकार का पालन करते हमने नहीं देखा है। इस जो जनसुनवाई है इसमें लगातार जो नियम कानून के विरुद्ध जनसुनवाई की जा रही है ये